ऊटी इज अ वेरी नाइस डेस्टिनेशन प्लेस ना बाबा. हे गाइस गुड मॉर्निंग और बज रहे सुबह के 8 और मैं निकले नए सफर के लिए जिसका नाम है यरकाड़ और ये बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस है और आज मैं अकेले नहीं निकला हूँ, तीन लोगों के साथ निकला हूँ. तो पहले मैं मिलवाना चाहूंगा दो नहीं है सर तीन ही है, ये सौरभ और ये मेरे आरिस सर हैं. इन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, इनके साथ बहुत यादें रही हैं. डेफिनेटली अपनी डेस्टिनेशन पहुंच के इनसे खूब सारी बातें करेंगी. तो आपको अभी वीडियो में तीन लोग दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि मैंने तो चार लोगों के बारे में बात करी है, वो मेरे पीछे धनो भी है. तो स्टे ट्यून बने रहिए. और अगर बता दूं 180 किलोमीटर का सफर है, तो हम 6-7 से निकले हुए हैं और अभी हम धर्मापुरम में खड़े हुए हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन सलीम, सलीम से हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा. तो स्टे ट्यून बने रहिए, एंजॉय करिए सफर को, मिलते हैं अपने डेस्टिनेशन में. बाय बाय. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी कर लीजिए तुरंत. चलो लेट्स गो, घुमाते हैं आपको यरकाड. तो अगर आप बैंगलोर में रहते हैं तो आप यरकाड के लिए एक दिन का भी प्लान बना सकते हैं. तो हम रहते हैं HSR लेआउट से, हमने अपनी HSR लेआउट से जर्नी स्टार्ट किया था. तो इसका टोटल ट्रैवल टाइम है 180 किलोमीटर्स और इसको ट्रैवल करने के लिए आपको 4-5 घंटे लग सकते हैं. अक्टूबर टू फरवरी इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट यरकाड. इसका जो वेदर रहता है बहुत स्मूदनिंग रहता है, बहुत हैपनिंग रहता है. और उस टाइम पे अगर आप आएंगे तो आपको फॉग भी हर जगह हिल्स पे दिखाई दे सकती है. तो क्या प्लान है हमारी बाबा के बर्थडे के लिए? बर्थडे में मैं केक बनाऊंगा, किशमिश केक बनाएंगे. उसके साथ? उसके साथ वनीला का रस और ऊपर से चाय. मटन चावल बनाइएगा. मटन देहाती. मैं मटन देहाती. हाँ क्या सर अलग रहेगा थोड़ा बताइए. बन गया तो वही निकलेगा, देहाती लोग बनाएंगे ना. तो फाइनली हमने चेक इन कर लिया है अपने होटल रूम के अंदर जिसका नाम है ग्रीन वुड्स. रास्ता बहुत ही औसम था, जिसको अपनी ऑफ रोडिंग करनी हो, हिल्स पे चलाने का मन हो, वो बैंगलोर से परफेक्ट वेकेशन है आने के लिए. और आप लोग एक दिन के लिए स्टे के लिए जा सकते हैं यहाँ पर, वन डे सुबह निकल के आप तो आप 3.5-4 घंटे के अंदर इस रास्ते पे आ सकते हैं. पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट 2 दिन यहाँ पर रहिए, आप इस वेदर को एंजॉय करिए. बहुत स्मूदिंग वेदर है और मुझे सबसे ज्यादा गाड़ी चलाने में मजा आया इसके अंदर. बहुत इस टाइम बारिश का मौसम है बैंगलोर के आसपास के एरियाज के अंदर, तो रोड सारी खराब पड़ी हुई थी. तो हम चेक इन कर चुके हैं और हमारे आरिस सर बहुत परेशान है मैच को लेकर, क्योंकि वो मैच के बहुत फेवरेटिज्म है. वो इतना दूर यहाँ पे ट्रैवल 180 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद भी उनको मैच ही देखना है. पर ठीक है, हम भी उनको सपोर्ट करेंगे. तो स्टे ट्यून, हमारे साथ बने रहिए और रात में बात करेंगे आपसे बहुत सारी बातें. गुड मॉर्निंग गाइस, ये हमारा है डे टू. डे वन में हम ऑल्दो बहुत ज्यादा निकले थे सुबह ही थे, बट हमको कुछ काम इतने ज्यादा थे कि हमको अराउंड 3:30 बज गए थे बैंगलोर छोड़ते छोड़ते. उसके बाद हमको डेस्टिनेशन पे अपने पहुंचते पहुंचते 7:30 बज चुके थे. और आपको पता है कि पहाड़ी हिल्स एरिया के ऊपर, हिल्स एरिया के अंदर 7:30-8 बजे के बाद पूरा मार्केट बंद हो जाता है, कुछ एक्सप्लोर करने को रहता नहीं. ये जो हमने ट्रिप बनाया है बहुत रैंडमली ट्रिप बनाया है, क्योंकि वीकेंड था, सैटरडे संडे सबका ऑफ था. तो हमने सोचा कि चलो कहीं एक नई जगह घूम के एक्सप्लोर करा जाए. तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के लिए वीडियो भी बना लूंगा, वीडियो शूट भी कर लूंगा. तो अभी हमें डे टू पर बज रहे हैं सुबह के 7:30 और अभी हम और दिखाएंगे इस शहर की खूबसूरती को.
तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं इस शहर की सबसे ब्यूटीफुल चीज जो है वो है यरकाड लेक। अभी बोटिंग बंद हो रखी है क्योंकि पानी का जो लेवल है थोड़ा सा कम है, पानी गंदा भी है। अभी हमको पता चला कि यहाँ के जो मैनेजमेंट है वो उसको इस वीक के अंदर पूरी लेक को साफ करने वाले हैं, तो इस चक्कर में पूरा बोटिंग बंद कर रखी है। देख रहे हैं कि कितना प्लेजेंट मौसम हो रखा है यहाँ पर, बहुत हल्की हल्की सी ठंड है, आप महसूस कर सकते हैं उस चीज को। अराउंड मेरे ख्याल से 18 से 22 डिग्री के बीच का कुछ टेम्परेचर होगा और ये मेरे पीछे यरकाड लेक। फाइनली द ट्रिप हैज बीन एंड और हम आ चुके हैं अपने घर पे HSR बैंगलोर के अंदर। एंड अगर मैं उस शहर की बात करूँ या उस स्टेशन की बात करूँ, तो अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं उस स्टेशन से, तो वो उतना लेवल का नहीं है। यस, आपको अगर एक अच्छी रोड ट्रिप चाहिए तो रोड ट्रिप बहुत अच्छी है, तो उसके दो रास्ते हैं, तो हमने दोनों रास्ते कवर करे हैं। जाने के लिए हमने एक रास्ता कवर किया था और आने के लिए हमने सालिम की तरफ से आने की कोशिश करी थी। दोनों रास्ते बहुत ऑसम है। तो जो हमारा पहला वाला रास्ता था जो धर्मावरम के आसपास से कटा था, धर्मापुरी के आसपास, धर्मावरम इज समथिंग प्लेस, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा उस वाले एग्जैक्ट जगह के लिए, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट प्लेस। तो वहां से एक लेफ्ट रास्ता कटता है जो पीछे वाली पहाड़ी की तरफ से लेके जाता है आपको उस प्लेस के ऊपर, तो वो ऑफ राइडिंग के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। आप वीडियोज के अंदर हमने ऑलरेडी देख लिया होगा वो ऑफ राइडिंग प्लेस कैसा रहा है। तो रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जिनको ड्राइविंग स्किल जिनकी बहुत थोड़ी लो है, वो प्लीज वहां पे उस एरिया में ड्राइव ना करें, इट्स वेरी रिस्की क्योंकि बारिश वाला मौसम है। तो बी सेफ। सालेम वाला जो रास्ता है वो बहुत अच्छा रास्ता है, वेल प्रिपेयर्ड है, बहुत अच्छा हाईवे है, तो स्मूथिंग प्लेस है। और यस, दिस प्लेस कैन बी अ गुड प्लेस फॉर अ बाइक ट्रिप, अगर जिसको बाइक ट्रिप पे जाना है सुबह निकल के शाम तक वापस आना है, तो दिस प्लेस इज वेरी परफेक्ट फॉर देम। सो एंडिंग ऑफ माई वीडियो, शब्बा गैर और मैं चला हूँ सोने के लिए। आई एम वेरी 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 मच टायर्ड राइट नाउ और बस अभी मैंने फूड ऑर्डर किया है, छोले भटूरे आ रहे हैं खाने के लिए। आई विल हैव माई मील, उसके बाद मैं चल रहा हूँ सोने के लिए। सो यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आपके फीडबैक है वीडियोज को लेकर, आपको प्लेस कैसी अच्छी लगी, आपको रास्ता कैसा अच्छा लगा। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स दिस वीडियो। And but last but not the least, don't forget to subscribe this channel. So signing off for the day. Bye-bye.